नमस्कार, मैं हूँ एकता गहरवार। एनबीसी न्यूज के खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर सुनीता धोटे, जो कि सिटी की पहली लेडी आयरमैन बनी है, जिन्होंने नागपुर से जाकर दुबई में तिरंगा लहराकर आयरमैन लेडी होने का खिताब अपने नाम हासिल किया है। हम महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज उनसे खास बातचीत करेंगे, जो रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रोफेसर भी है। उनका नागपुर से दुबई तक का सफर आयरमैन प्रतियोगिता में कैसा रहा, ये उनसे ही जानेंगे। नमस्कार मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। मैंने नागपुर मैंने जो दुबई की आयरनमैन की, वो 7 फरवरी 2020 को मैंने ये आयरनमैन किया। इसके पहले शुरुआत तो मेरे ख्याल से 3 साल पहले से हुई उसके प्रैक्टिस की। मैंने 2-3 आयरनमैन डिस्टेंस की कोशिश की और वहाँ पे मेरा टाइमिंग भी अच्छा नहीं आया, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा लेसन रहा कि ट्रेनिंग का और कोई पर्याय ही नहीं है, प्रैक्टिस का कोई और पर्याय नहीं है। तो जैसे मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, 5:15 तक थोड़ा सा अपना पढ़ाई करती हूँ और 5:30 बजे एकदम ग्राउंड पे रहती हूँ। और मैंने साइकिलिंग की प्रैक्टिस की, रनिंग की प्रैक्टिस की। आपको यहाँ पे बता दूँ, काफ़ी बार तो ऐसा हुआ है कि मैं साइकिलिंग सावनेर रोड पे साइकिलिंग की प्रैक्टिस करती थी, सावनेर पहुँचती तो मुझे कॉल आता था कि आज बाई आई नहीं है खाना पकाने वाली। तो मैंने बच्चों को इतना ही कहा फर्स्ट टाइम कि ठीक है खाना बना लो। उन्होंने खाना भी बनाया, जो बनाया जो बन सकता है वो बनाया, अपना टिफ़िन पैक किया और चले गए। और नेक्स्ट दूसरी बार से तो आदत ही हो गई उनको। तो इस प्रोसेस में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एक बहुत अच्छी, जिसे हम लोग फैमिली बोलते हैं, एक अच्छी फैमिली टीम तैयार हो गई है कि मेरे एब्सेंस में भी सारी चीज़ें बराबर चलती है, चल रही है। और इसके साथ मुझे भी और कुछ कुछ नया करने का मौका मिलेगा फ्यूचर में। तो ये फ़ायदे मेरे को आयरनमैन करने से हुए हैं। और ये जो सफ़र था, ये थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 10 या 15 दिन पहले मैं 2 बार गिरी साइकिल से। तो साइकिल से गिरना देखा जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि आराम करो। मैंने यहाँ पे साइकिल से गिर के तभी भी दौड़ने की कोशिश की। अफकोर्स 2 दिन आराम भी किया और थोड़ा पेन किलर लेके मैंने मेरी ट्रेनिंग कंटिन्यू की। तो कहीं तो भी मेरे को एक इस संदर्भ में एक आशीर्वाद, मेरे पापा जो फौजी थे, इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत थे, उनकी बेटी होने का मिला है। कभी तो भी वो मुझे ऐसे भगाया करते थे, गिर गई तो कुछ नहीं, तू मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी है, ब्रेव बेटी है, ऐसा बोल के। तो बस ये वर्ड्स ही इतने प्रोत्साहित करते थे कि मैं बस उठ के दौड़ने लग जाती थी। तो वही चीज़ें याद करके मैंने, मेरे ख्याल से इसीलिए मैं ये आयरनमैन दुबई जो है कर पाई। जी मैम, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मैम की उम्र है 47 ईयर्स। इस उम्र में स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग एक साथ करना, और वो भी इतने सारी महिलाओं के बीच वो कंपटीशन जीतना, बड़ी बात है। तो इसके लिए मैम आपने तैयारी किस तरह की और आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जैसे मैंने स्विमिंग जो है मेरे शादी के बाद, बड़ा बेटा होने के बाद सीखी। मेरे को बहुत शौक था कि स्विमिंग सीखना है, लेकिन आता नहीं था, तब मैंने सीखा। तभी भी मैं सुबह 5 बजे का हमारा बैच रहता था, तब मैं करती थी स्विमिंग। लेकिन वो स्विमिंग ऐसी थी कि सिर्फ मैं डूबते हुए बच सकती हूँ, ऐसी इस टाइप की स्विमिंग मैंने सीखी थी। उसके लिए फिर मेरे को प्रभाकर साठे सर हैं, उन्होंने हेल्प आउट किया स्विमिंग के लिए। तो उसमें मैंने मेरी टेक्निक सुधारी। फिर मेरे साथ जो रनिंग और साइकिलिंग के जो फ्रेंड है, डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल, तो उनके साथ मुझे, क्योंकि अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर कोई साथ में रहा तो एक पेसिंग मिलती है या कंपटीशन मिलता है। अगर सर आगे हैं तो मैं उनके भी पीछे फास्ट साइकिलिंग कर रही हूँ या फास्ट रनिंग कर रही हूँ, तो वो मुझे सीखने को मिला। और कहीं जाके उनको भी आयरन मैन कर चुके हैं, तो उनको खुद को प्रैक्टिस करनी रहती थी तो वो मुझे फ़ोन कर दिया करते थे। तो उनके साथ मैं स्विमिंग करती थी तो उसमें मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती थी, उनकी भी प्रैक्टिस होती थी।
तो ऐसा है कि अगर आपको कुछ करना है तो एक अच्छा दोस्त तो जरूर चाहिए जो आपकी आपकी जो पैशन को समझ सके और आपको हेल्प आउट कर सके। तो ये मेरे को उनका बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। और साथ में जो कठिनाइयाँ, जैसे मैडम ने पूछा, कठिनाइयाँ तो रोज़ की रहती थी। जैसे पहले 5 मिनट में दौड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, कहीं तो भी पीठ भी दुख रही है, तो वो रहता है। लेकिन ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ें, जी तभी भी मन शांत करके कि अपने को कोशिश करनी जो अपने हाथ में है ना, रिजल्ट मिलेगा मिलेगा, ये इसका विश्वास रखते हुए कोशिश करते रहे, बस यही सीखा मैंने मेरी कठिनाइयाँ बिल्कुल जो रोज फेस करती थी। बिल्कुल। तो मैम, आपको ये सब करने की इंस्पिरेशन कैसे मिली, आपने शुरुआत कैसे की? मेरे को ये जो स्पोर्ट्स है, आयरन मैन ट्राइथलॉन, जिसमें स्विमिंग 1.9 किलोमीटर रहता है, उसके तुरंत बाद साइकिलिंग करनी रहती है 90 किलोमीटर यानी 90 किलोमीटर, और तुरंत बाद 21 किलोमीटर रन करना पड़ता, और ये सब कंप्लीट करना है मुझे 8.5 घंटे में, ये कट ऑफ टाइम रहता है। तो ये स्पोर्ट्स से मैं इंट्रोड्यूस हुई डॉक्टर अमित समर्थ, जो साइकिलिस्ट है, रेनाउंड साइकिलिस्ट है, उन्होंने मुझे इस स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस कराया। और क्योंकि ये कुछ तो भी हटके था और चैलेंजिंग था, तो मुझे बड़ा मन हुआ कि चलो ट्राई करते हैं। तो उसमें मुझे समझा कि मुझे ओपन वाटर स्विमिंग भी ज़रूरी है। तो मैं आज आज आप लोगों से शेयर करने में बड़ा मज़ा भी आ रहा है बिल्कुल, बताइए। कि अंबाजरी में मैं एक इकलौती महिला ऐसी हूँ जो जाके स्विम करके आती, पूरी अंबाजरी क्रॉस करके स्विम करती हूँ और वापस आती क्या हूँ। बात है, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन मैम इसके लिए भी। यू। और उसमें मुझे हेल्प मेरे भाई गणेश क्षीरसागर की मिली है कि वो मेरे को, मैंने उसे बोला भाई मेरे को स्विम करना है, तो शुरुआती दिनों में और अभी भी, देख सुनीता, ओपन वाटर्स में अपन अकेले स्विम करने नहीं जाते, तो वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं स्विमिंग करते समय, एंड ही इज़ वेरी गुड स्विमर। मुझे याद है बचपन में वो भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक में उसने अपना ग्रेजुएशन किया, और जी वहाँ से उसने स्विमिंग सीखी थी, डाइविंग सीखी थी, और मुझे स्विमिंग और डाइविंग दोनों नहीं आते थे। तो अच्छा, वो देख के मैं बड़ी इंस्पायर होती थी कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ। तो बस ये है, बस इतना पक्का कहना चाहूँगी, जो करना है आज करना है, उसके लिए ये मत सोचो क्या आपकी एज है, आप क्या हो चुका, अब नहीं हो सकता। मेरे को भी काफ़ी ऐसा फील होता था क्योंकि पेशे से मैं प्रोफेसर हूँ, तो प्रोफेसर को अपने यहाँ बड़े बड़े फॉर्मल नज़रिए से देखते हैं। तो कहीं तो भी आज मैंने वो चेंज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश बिल्कुल की है कि प्रोफेसर भी एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन हो सकती बिल्कुल है बिल्कुल। ना। एक मैम, जैसे आप अंबाझरी तालाब में स्विमिंग करती थी, अब लेकिन आपने समुंदर में स्विमिंग किया, तो आपको समुंदर की लहरों से डर नहीं लगा? उस टाइम आपकी फीलिंग कैसी थी? अरे जन्नत, ऐसा कहते हैं कि समुंदर डरावना है। देखिए हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हम लोग अगर किसी चीज़ से भी फ्रेंडशिप कर ले तो किसी से डर नहीं लगता। वैसे जैसे आज भी अंबाजरी में काफ़ी लोग स्विम करने को डरते हैं, अच्छे स्विमर्स भी डरते हैं, लेकिन अगर आपने कोई मूवी देखी होगी या हम लोग एक्वेरियम भी देखें, तो अगर एक्वेरियम में स्विम करते या पानी में देखते तो बहुत अच्छा लगता है, और जी जब आप स्विमिंग करते हो और आपकी यानी आपका मुंह पानी के अंदर रहता है, तो आप अंदर की चीज़ें जो देखते हो ना, बड़ा सुकून सा फील होता है। तो डर तो नहीं लगा। और आपने जैसे समुंदर में स्विमिंग की बात कही, समुंदर में स्विमिंग इज़ जन्नत, हेवन सा फील होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक साथ जब एंट्री 2500 लोगों की होती है समुंदर में, तब बहुत ज़्यादा मार भी खाते हो। बट एक बात है, एक चीज़ अगर आपने मन में सोच लिया कि मुझे तो कोशिश करनी है, शायद मार खा के भी कोशिश करनी है, अगर ये सोच लिया तो आप अच्छा स्विम करते ही जाते हो और समुंदर में भी मज़ा आता है।
दुबई समुंदर की तो बात ही कुछ और थी। शेख लोगों का समुंदर है, उन्होंने समुंदर भी इतना क्लीन करके रखा हुआ था। हमें पता चला कि उन्होंने कुछ कुछ किलोमीटर्स तक, क्योंकि ये आयरन मैन था, वहाँ तक पूरी पीएच लेवल मेंटेन किया और क्लीन करके रखा था। और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, मेरे को बहुत अच्छा भी लगा स्विम करते समय और डर भी नहीं लगा, क्योंकि फ्रेंडशिप कर ली थी मैंने। अगले दिन स्विम करके, एक ट्रायल स्विम रहता है, तो स्विम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। तो इस प्रतियोगिता में मैम कितने देश के पार्टिसिपेंट आए थे, वो कैसा अनुभव रहा आपका? इस प्रतियोगिता में 160+ कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और 2,500+ पार्टिसिपेंट्स थे। तो ये क्योंकि मैं फौजी की बेटी हूँ, हर जगह जाके फ्रेंडशिप करना ही हम लोगों ने बचपन से सीखा है। तो वहाँ पे 160 कंट्रीज़ के डिफरेंट लोगों से फ्रेंडशिप की, उनसे भी सीखा कि क्या क्या चीज़ों का मैंने ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 8.5 घंटे आप पूरा हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी बॉडी पूरी हाई इम्पैक्ट पे है। तो उनसे सीखा, उन्होंने काफ़ी, उन्हें मुझे फिर ये बताया कि थोड़ा सा अपने फूड भी कैरी करना पड़ेगा, यानी खाने की चीज़ें भी रहेगी। तो मैंने चिक्की के चिक्की लेके गई, चिक्की रखी थी, क्योंकि अपने को इंडियन फूड ही अच्छा लगता है। तो मीठा चॉकलेट्स भी रखे थे, और चॉकलेट्स भी अपने को डेयरी मिल्क ही पसंद है। तो इस टाइप के, और केले, जैसे स्विम करके आई आप स्विमिंग के बाद, मैंने एक स्विमिंग तो बहुत अच्छी रही, लेकिन स्विमिंग से जब बाहर निकली तो मैं टेढ़ा जा रही थी, पता नहीं वो लहरों का जो इम्पैक्ट था शायद, तो उसके कारण सब लोगों के साथ वही हो रहा था, बट दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, टेढ़ा चल रही थी, ऐसा कहते हैं ओरिएंटेशन ही बिगड़ जाता है। तो उसके बाद स्विमिंग करके आई, मैंने केला खाया, एक चिक्की खाई साइकिल एक हाथ में, और फिर साइकिलिंग की, फिर साइकिलिंग जब कंप्लीट किया फिर से एक चिक्की, बीच में साइकिलिंग करते करते भी मैंने चिक्की खाई, चिक्की का हल्दीराम्स चिक्की का जो पैकेट आता है वो खाया। और जब वापस आई फिर जब रनिंग करना था तभी भी मैंने एक चिक्की और एक केला खाया, और बाद में रन करने लगी तो रनिंग के समय ग्लूकोज के वो लोग पैकेट्स वैसे ही दे रहे थे, तो वो पीते हुए रनिंग करती गई, भगवान का नाम लेती गई, चलो कोशिश तो करते हैं। और फिर काफ़ी लोगों की विशेस को याद किया, सुनीता तू कर सकती है, सुनीता ऑल द बेस्ट, बस ये सोचते हुए दौड़ती गई, क्योंकि यहाँ पे दौड़ना तब शुरू होता है जब आप पूरी तरह थक चुके, आप समझ सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल 1.9 किलोमीटर स्विमिंग और 90 किलोमीटर साइकिलिंग के बाद तो आप पूरी तरह थक गए हो। और जहाँ मेरी साइकिलिंग की स्पीड 25.5 किलोमीटर एवरेज थी, यानी पर आर किलोमीटर थी, तो उस हिसाब से इतनी थक गई थी, अब वहां पे आपके पैरों को चलाना, तो ये सारी विशेष ही काम पे आती है। बिल्कुल। एक ये भी है कि मैम आपने इसके लिए खुद को कैसे तैयार किया, फिजिकली आपने क्या 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 चीजें खाई और मतलब क्या क्या अवॉइड किया, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, इसमें मैंने पहले तो खाना तो मैंने अच्छे से खाया, द बेस्ट पार्ट ऑफ इस इन चीज़ों की ट्रेनिंग का कि खाना बहुत अच्छे से इन्जॉय कर सकते, उसमें घी मक्खन भी अच्छे से इन्जॉय कर सकते हो। बस मैंने इसमें एक ही परहेज किया था कि मैंने कोई फ्राइड फूड नहीं खाया, क्योंकि फ्राइड फूड वो किसी भी तरह, फ्राइड तला हुआ वो किसी भी तरह से आपको हेल्प आउट नहीं करता, इनफैक्ट अगर आप तली हुई चीज़ें खाते हो तो आपका एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, पता नहीं वो शायद कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन नहीं रहता। और मुझे डॉक्टर सदाशिव भोले सर ने डाइट चार्ट भी दिया था, तो जिसमें बहुत ज़्यादा पनीर खाना था, 400 ग्राम पनीर एक दिन खाती थी, नहीं तो 400 ग्राम वो टोफू रहता है ना इसका, अपना क्या कहते हैं, सोयाबीन का पनीर रहता है, वो खाती थी। फिर मेरे को हमारे सुनील काबगाते सर ने बताया था कि अपन क्या नॉर्मल एथलीट है और अपने को प्रोटीन जो पूरा कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने मुझे बताया था सोयाबीन 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी शेंगदाना और 1 मुट्ठी चना, ये रात को भिगा के दूसरे दिन सुबह बॉईल करके खाना
खाना, तो वो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मेरे बॉडी की पूरा करता है, क्योंकि यह हाई इम्पैक्ट था, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी और हमेशा इसकी रिकवरी हमेशा ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे पूरा दिन फिर कॉलेज भी रहता था। तो मैम हमारे दर्शक ये भी सुनना और देखना पसंद करेंगे कि सुबह से लेकर रात तक आपका स्केड्यूल कैसा था, कॉलेज भी और ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी, ये किस तरह की आपने? मैंने आपको बताया जैसे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, और मेरे साथ ब्लेसिंग ये है कि मेरे पति नितिन धोटे वो भी बढ़िया सपोर्ट करते हैं, या मैंने घर का वातावरण भी ऐसा बना लिया है कि अगर मैं सुबह साइकिलिंग रनिंग कुछ ना करूं तो मेरी तबीयत ख़राब रहेगी दिन भर, तो घर में मुझे सब लोग मोटिवेट ही करते। अगर मैं भी कभी 4:30-5 बज गए और मैं नहीं उठी, तो या तो पति आवाज़ दे देंगे सुनीता उठ, या तो बेटा चिल्लाएगा माँ उठी नहीं ऐसा हो जाता है। तो मेरे है ना ऐसे अलार्म, बायोलॉजिकल क्लॉक वाला अलार्म नहीं बजा तो बाकी अलार्म्स बड़े फिक्स हैं, तो वो उठा देते हैं। और मैंने वही बताया, मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, और जब तक मेरी प्रोफेसरशिप अच्छी है तब तक मैं मेरे सारे शौक पूरे कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं 5:30 बजे ग्राउंड पे रहती हूँ, लेकिन ऐसा है कि कभी कभी मेरा क्लास जो है कॉलेज का क्लास 8:30 बजे का रहता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कॉलेज चली जाती हूँ, मैं ग्राउंड पे उस दिन नहीं जाती, या मैं आधा घंटा 6 से 6:30 स्विमिंग कर लेती हूँ, कॉलेज जाती हूँ और मेरी गाड़ी में ही सामान रख लेती हूँ, मुझे साइकिलिंग करनी रहती है तो साइकिल भी गाड़ी के अंदर डाल ली, मेरे साइकिल के ड्रेसेस भी डाल लेती हूँ, कॉलेज करती हूँ, और कॉलेज से तुरंत बाद मैं सावनेर रोड की तरफ अपनी कार लेके जाती हूँ, वहाँ से साइकिल निकालती हूँ कार से, वहाँ साइकिलिंग कर लेती हूँ 2 घंटा, वापस आ जाती हूँ, ऐसा करती हूँ। और फिर हाँ, लेकिन एक है, जैसे घर पहुँचती हूँ मैं 6:30-7 बजे खाना खा लेती हूँ, और फिर 9 बजे के करीब ना मैं सबको पहचानना ही बंद कर देती हूँ, थोड़ा मे बी दिन भर कॉलेज और मेरा ये रनिंग स्विमिंग साइकिलिंग इसकी सारी प्रैक्टिस रहती है, तो मैं जल्दी सोना प्रेफर करती हूँ, और 4:30-4:30 बजे वो ऑटोमेटिकली उठ जाती हूँ, तो ऐसा मेरा पूरी दिनचर्या मेरी ऐसी रहती है। मैम अक्सर महिलाएं कहती है कि उन्हें समय नहीं मिलता, उन्हें टाइम नहीं मिलता, हम बहुत बिजी है, तो इन सब महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने मतलब अपना तो स्केड्यूल बता ही दिया है, फिर भी उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारी महिलाओं से एक बात कहना चाहूँगी कि आप अपनी जिंदगी जिए, देखिए कोई कोई काम आपके बिना नहीं अड़ता। मैंने आपको बताया ना, मैं सावनेर तक पहुँची, मेरे घर में बाई नहीं है, कायदे से देखा जाए तो मेरे लिए बड़ी टेंशन की बात है, लेकिन मैंने आराम से बोल दिया बेटा तुम खाना बना लो, तो मेरे बेटों ने खाना बनाया, उन्होंने खुद का टिफ़िन भी पैक किया, आज तो ऐसा है कि वो खुद सुबह जल्दी उठ जाते हैं और खुद के लिए टिफ़िन बना लेते कि मम्मी आज मुझे मेरे फ्रेंड्स के लिए पराठे लेके जाने हैं मैं घर में हूँ तभी भी, तो ऐसा है। तो अपने अपने घर को जिम्मेदारी पक्का समझना ही चाहिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव ना रहे कि नहीं मेरे बेटे ने को तो मेरे ही हाथ के खाना पसंद है, हमेशा उसकी आदत मत डालिए, उसे अपने भी हाथ का खाना बनाना पसंद करवाइए कहीं तो भी। मेरे को तो कभी कभी अच्छा लगता है कि आज मेरी नहीं, आने वाले दिनों में शायद मेरी बहू मुझे दुआ देगी कि इन्होंने अपने बेटों को मेरे लिए तो परफेक्टली तैयार करके रखा हुआ है ना, इस हिसाब से। और कहीं तो भी ये नहीं रहेगा कि बाबा नवरा पाटिला है, पाटिला सगड़ो वाड़ाओ लगते हैं प्रकार नहीं रहे ले। तो ये मैं बिल्कुल आप लोगों को कहना चाहूँगी कि सारी लेडीज़ के जैसे मैं बचपन में खेलना बहुत पसंद करती थी, मेरे पापा मैं और मेरे भाई को उठा देते थे 5 बजे और दौड़ाने लगाते थे, बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन कुछ दिनों बाद आदत पड़ गई और मज़ा आने लगा, फिर मैं खेलती थी, लेकिन फिर ठीक है अपने यहाँ पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो पापा ने बोला अब पढ़ो, अब खेलना कुछ नहीं, तो 10वीं से मेरे खेलना छूट गया। लेकिन जब मेरी नौकरी और सब सब परफेक्ट हो गया, बच्चे भी हो गए,
तो मेरे भाई ने धीरे से मुझे चिढ़ाया, सुनीता तू ऐसे गाय जैसा जीवन जी रही है, अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, पढ़ा रही है, फिर पति को परोस रही है, बस यही जिंदगी तेरी, तू कहाँ गई तेरे अंदर की स्पोर्ट्समैनशिप। तो मुझे भी याद आया यस, ये चीज़ें तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ या अपनी जीती हूँ, तो उस हिसाब से फिर मैंने मेरे जीवन से 1 घंटा खुद के लिए निकालना शुरू की। और सही में ये 1 घंटा मैंने निकाला, आज मुझे इसके कारण बहुत अच्छा बेनिफिट ये मिला कि मुझे ऐसा लगा कि मैं हमेशा सब में नेगेटिव देखती थी, आज मैं पॉजिटिव देख रही हूँ, सब लोगों में जो स्ट्रेंथ है उसको कामों के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, और मुझे फील हो रहा है कि मेरे बाजू में जो सारे लोग हैं वो मेरी टीम है, और वो उन्हीं के कारण आज मैं ये आयरन मैन कर पाई, या पहली महिला नागपुर की बनी जो इसने आयरन मैन कम्प्लीट किया है। तो यही मैं मैसेज देना चाहूँगी सारी लेडीज़ को कि आपके जो शौक है उसके लिए आप 1 घंटा पक्का दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और एक बात बताना चाहूँगी, आप फिर आपको समय नहीं है रोने के लिए कि मैं ये नहीं कर पाई वो नहीं कर पाई क्योंकि मैं बच्चों का कर रही थी, क्योंकि मैं पति का कर रही थी। सब के लिए अपने अपने काम फिक्स हैं, आप बस अपने कामों को शेयर भी कीजिए और मजे कीजिए। एक बात मैम कि आपसे तो अभी सभी लोग इंस्पायर होंगे, क्या आपके बच्चे भी आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनका भी स्केड्यूल कैसा है, वो भी आपके साथ कभी कभी चलते हैं, ये सब बताइए हमें। हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चे अब माँ ऐसी है, कहीं तो भी एक ज़माने में मेरे ख्याल से मेरे बच्चों के लिए माँ भी हानिकारक रही होगी, है ना। अगर मेरा बेटा 5 बजे मुझे उठा रहा है तो कहीं तो भी मैंने भी उसे उठाया होगा। मेरे 2 बेटे हैं तेजस और राजस, तेजस इंजीनियरिंग कर रहा है और राजस 11th स्टैंडर्ड में है, तो मैं इन दोनों बच्चों को लेके अंबाजरी में स्विम करती हूँ। कायदे से देखा जाए तो मम्मा थोड़ी सी डरी हुई रहती है, लेकिन मुझे एक पक्की बात मालूम है, अगर आपको स्विमिंग आती हो तो आप कहीं भी स्विम कर सकते हो, तो मैं उनको लेके स्विमिंग करती हूँ। तेजस जो मेरा बड़ा बेटा है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, तो बोलता है मम्मा मैं आप ही के साम बाजू में ही रहूँगा स्विम करने, और छोटा वाला बच्चा थोड़ा सा तड़तड़ा है, वो कहता है मम्मा मुझे अंबाजरी में स्विम ही नहीं करना। तभी भी मैं कहती हूँ देख बेटा तू नहीं बोल रहा है ना स्विम करने को, अंबाजरी के बीच में हमारी ये बातें होती है बेटे के साथ, नहीं कर रहा है ना तो कोई नहीं मैं रुकती हूँ, तो अंबाजरी में अगर मैं बीच में रुकी तो और स्ट्रांग हो रही हूँ इस प्रोसेस में, लेकिन कंप्लीट तो तुझे करना है, अंबाजरी का पूरा चक्कर तो मारना है। तो वो ना 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 करते हुए हम अंबाजरी में बीच में पोल है करीब 500 मीटर के बाद, तो वो पोल तक चले जाता है, फिर बाद में फास्ट स्विमिंग करके आ जाता है। तो इस हिसाब से मेरा बच्चों के साथ बॉन्डिंग है, और मैंने ये भी देखा है कि जब मैं दौड़ती हूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ दौड़ते हैं तो वो बहुत सारी बातें शेयर करते अपने कॉलेज की, तो ये मेरा क्वालिटी टाइम भी हो जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि वर्किंग होने के कारण शायद, लेकिन हाँ मैं मेरे को तो ऐसा लगता है वर्किंग रहूँ ना रहूँ रनिंग के समय जो बातें वो शेयर करते हैं, तो वो सारी वो बातें शेयर करते हैं जो एक्चुअली एक पेरेंट को पता रहनी चाहिए, तो वो होता है। और मेरे बड़े बेटे ने तो खुद 21 किलोमीटर की मैराथन की है, और हम दोनों ने मिलके गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है सातारा में, दोनों ने दौड़ के सिंगल हिल मैराथन का, तो वो भी किया है। बेटे के साथ ऐसे ही बातें करते करते मैंने बोला था देख बेटा तू यहाँ दौड़ेगा तेरे को रिकॉर्ड मिलेगा, आज तू जब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाता है 100 से 200 लोग रहेंगे इंटरव्यू के लिए, तो वो लोग ये पूछेंगे तुम में क्या है कि हम तुम्हें अपॉइंट करें, राइट तो उसके लिए तुम में कुछ एक्सपेक्टर होना चाहिए, एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो फिर वो तैयार हो गया, हम संडे टू संडे हम लोग रनिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं साथ में मिलके, तो ऐसा रहा है हम लोगों यानी मेरी और मेरे बच्चों की बॉन्डिंग ऐसी रही। शायद मेरे को लड़की होती थी तो आज मैं डांस में नज़र आती थी लेकिन 2 लड़के होने के कारण मैं स्विमिंग साइकिलिंग और रनिंग या वॉकिंग ये सारी चीज़ें एंजॉय करती हूँ। तो मैम भविष्य में आपका क्या करने का प्लान है इन सब चीज़ों को लेकर? मैं मेरे ख्याल से मैं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही हूँ कि और कोई नई इस टाइप की चीज़ें आए और मैं करूँ। इनफैक्ट मैं चाहूँगी कि मैं और
लेडीज को लेके चलूं इन सारी चीजों में, क्योंकि आप सब में ऐसा कहते हैं बहुत पोटेंशियल यानी बहुत एनर्जी है, और हम लोग वो एनर्जी का सिर्फ 5% यूज़ करते हैं। तो अगर मैं सारी लेडीज़ को उतना मोटिवेट कर पाऊँ कि वो 5% के ऊपर उठ के अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे, क्योंकि आप सबका एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान भी रहना चाहिए, जैसे SIP रहता है वैसे HIP रहना चाहिए। 1 घंटा आपने आपके हेल्थ के लिए, आप या तो वॉकिंग करें, वॉकिंग करती है तो थोड़ा फास्ट वॉकिंग करें, या फास्ट वॉकिंग करती है तो 5 मिनट रनिंग करें और बाकी 55 मिनट्स वॉकिंग करें, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं, और इस हिसाब से, क्योंकि अगर आपकी मसल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है तो आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी जीवन जीती। और एक बार बताऊं, सारी सिक्योरिटी एक तरफ और आपका बॉडी एक ऐसा फ्रेंड है आपका जो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, तो आपने पहले उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उसके लिए सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान यही है कि आप 1 घंटा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, आप जुम्बा करें, अगर आपको उसमें मज़ा आता है तो जुम्बा करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, वॉकिंग करें और मजे करें। तो मैम, आप जाते जाते युवा दर्शकों को क्या संदेश देगी? महिलाओं के लिए तो आपने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन आज के जो युवा है बहुत आलस करते हर चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मोबाइल छोड़ के या डिजिटल वर्ल्ड छोड़ के ग्राउंड में आओ, जिंदगी कितनी बढ़िया है उसका अनुभव करो। थैंक यू। ये थी आयरनमैन लेडी डॉक्टर सुनीता धोटे, जिन्होंने अपनी बातों से सभी को इंस्पायर किया। हम फिर मिलेंगे खास मुलाकात में किसी नए शख्स के साथ, तब तक के लिए एकता गहरवार का नमस्कार।